अगर आप हैं किसान या अजमाना चाहते हैं खेती किसानी का तरीका तो आपके लिए यह खबर है खास, क्योंकि फर्रुखाबाद के किसान कम भूमि में ही मिश्रित खेती करके अपनी किस्मत को चमका रहे हैं। जी हाँ, एक साथ पांच फसलों को उगा करके लगातार कमाई करते हैं तो दूसरी ओर खेत में कम लागत भी आती है। ऐसे समय पर फर्रुखाबाद के किसान एक तरफ ऊपर बड़े पौधे बैंगन के तो दूसरी ओर शलजम चुकंदर के साथ ही मूली और धनिया की भी फसल एक ही खेत में उगा रहे हैं। ऐसे समय पर सबसे पहले बैंगन की फसल तैयार हो रही है तो दूसरी ओर अब धनिया का अंकुरण हो रहा है, वहीं पहले से शलजम और चुकंदर की भी जमकर बिक्री हो रही है। ऐसे समय पर देखिए क्या कुछ कहते हैं फर्रुखाबाद के किसान। आपका? हमारा नाम है विवेक राज। कहाँ रहते हैं आप? तो कौन कौन से फसलें तैयार की इस बार आपने? इस बार हमने गोभी की है और बैगन किया है। बैगन आमतौर पे चालू हो चुका है, क्या रेट रहता है अगर सही अच्छा बिक रहा है? इस टाइम 30 35 40 रुपए तक बिक रहा है। एक बीघा में कितना तक फसल निकल आती है, कितने क्विंटल? ये क्विंटल तो हमने अंदाज नहीं है, लेकिन वो पर डे लगभग 2 बोरी लेके आते हैं, आराम से आते हैं। तो आमतौर पे लागत कितनी आती है एक बीघे में? लागत इसमें ज्यादा नहीं है, लगभग 5000 रुपए तो मान ही लीजिए। अगर अच्छे रेट बिकता है गायती फसल तैयार की है तो एक बीघा में कितने हजार खो जाती है? इसका कोई भाव क्लियर नहीं है क्योंकि पैसा चढ़ता उतरता रहता है। जैसे फिर भी 30000 तो मान ही लीजिए आप। मतलब कि अगर सब्जियों की फसल करते हैं तो फायदा तो लगभग हो जाता तो है। फायदा ही है, फायदा नहीं रहता है। आमतौर पे क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती हैं सब्जियों में? हमारे यहाँ गोभी होती है, बंद गोभी होती है, बैंगन होता है, चुकंदर होता है। अच्छा, मटर भी होती है। कमाई है जारी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लोकल 18 के लिए सत्यम गटियार की रिपोर्ट।